माई स्क्रीन इज विजिबल भाई प्लीज टेल मी बेटा स्क्रीन विजिबल है क्या ओके ओके नाउ सी टू डेज प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम कैथ प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ़ वन प्लस को थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये दो फेमस है मैंने पिछली बार लास्ट क्वेश्चन ये भी करा था रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा लेकिन ये दोनों बड़े फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैं दोनों को करा रहा हूं देखिएगा जरा ध्यान से एलएचएस ले लेंगे बेटा हमेशा ध्यान रखना जब भी स्क्वायर रूट हो ना तो हमेशा पहले आप रैशनलाइज करो तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा ठीक है बेटा ये बन जाएगा वन प्लस बाय साइन थीटा बिकॉज वन माइनस कॉ स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एक मिनट रोकीगा यार इसको प्रांशुल को अंदर लेना पड़ेगा देखिएगा अब इसको लिख सकते हैं आप वन बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा तो बेटा वन बाय साइन थीटा क्या बन गया कोसेक थीटा और ये बन गया कोट थीटा विच इज ऑवर आरएचएस क्लियर है बेटा हाँ जी क्लियर सर प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले तेरे का साथ साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अगेन आई एम सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन एंड इट इज एन इक्वली गुड क्वेश्चन देखिए है तो कुछ नहीं बस बना रखा है क्वेश्चन क्या करें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं देखिए सेकंड क्वेश्चन आज का कहता है प्रूव दैट थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा हमें टू के बराबर प्रूव करना है तो यार एल एच एस ले लो बेटा और स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम ले लो ले लिया बेटा नीचे आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट बेटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये टर्म इससे कैंसिल हो गई तो वी लेफ्ट विद टू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना आ गया टू सेक थीटा विच इज ओवर आर एच इज दैट ओके बेटा हा जी एम सम एलसीएम वाला स्टेप यार यह टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गई ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गई और क्या था एलसीएम और नीचे दोनों टर्म अगर ए बाई बी सर मैं कंफ्यूज हो गया था ओके okay, नाउ ये क्वेश्चन जो है दो बार बोर्ड में पूछा गया अभी मैं जो करने जा रहा हूं समझ लीजिएगा अच्छा क्वेश्चन प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए minus cos a upon sin a plus cos a is equal to 2 upon sin square a minus cos square a which is further equal to 2 upon 2 sin square a minus 1 which is further equal to 2 upon 1 minus 2 cos square a. गोटेट ये सारे इक्वल दिखाने हैं यार हम तो एक एल एच से स्टार्ट करेंगे एल्सियम ले एल्सियम ले, ले ले भी डायरेक्टली साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्र आएगा प्लीज टेलमी और इधर आएगा बेटा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्र इज दैट ओके और नीचे क्या टर्म आएगी

एंड माइनस टू साइन ए कॉस एंडर इज सेम ठीक है बेटा ये टर्म तो कैंसिल कर दू सो कैन आई राइट दिस एज टू टाइम्स ऑफ साइन स्क् प्लस कॉस स्क्र है अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस को स्क्र है और साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर कितना होता, वन होता है ठीक है जी एक पार्ट तो आ गया इक्वल ये आ गया ना ये वाला पार्ट तो क्लियर है यस यस सर सर यार अब ये क्या चाहता है एक बार तो एक्सप्रेशन पूरा साइन में है यार एक बार कोस में है ये घबराने वाली बात नहीं है यार कुछ नहीं करना एक बार साइन को तोड़ दो यहाँ पर इस वाले को वन माइनस स्क्वायर है तो कितना आया भाई टू अपॉन वन माइनस टू को स्क्वेर है आ गया ये वाला पार्ट एक बार यहां पर क्या करते आप अब कॉ स्क् को ब्रेक कर दो विच इज इक्वल टू टू अपॉन टू साइन स्क्वेर ए माइनस वन क्या सारे इक्वल आ जाएंगे भाई अब ये प्लीज टेल मी यस yes, सर तो यार ले लो स्क्रीनशॉट ये सिर्फ बना रखा है देख के बच्चा डर जाए कि यार इतने सारे इक्वेलिटी कैसे लेके आएंगे लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है समझ में आई बात मुश्किल तो नहीं लगा हाँ जी नो सर नो सर चलो मुश्किल लगना नहीं चाहिए यार मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं अच्छा सोहम तेरी वैडनर्सडे को क्लास तो नहीं होगी ना नहीं सर तो मैं ट्यूसडे को तेरे को कंफर्म करूंगा जो तेरे वो एक्स्ट्रा डाउट्स है ना ठीक है okay. ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आया हुआ है इसको भी देख के बच्चा बड़ा घबराता है पता नहीं क्यों घबराते मुझे समझ में नहीं आता देखिएगा जरा ध्यान से आई थिंक इट्स फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कहता दैट साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा एंड टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा ये करना यार क्या लग रहा मुश्किल क्वेश्चन है बताओ भाई क्या करें कुछ नहीं करना यार एल लिया ले लिया एल जो कॉमन आ रहा है पहले वो निकाल ले कॉमन ऊपर से क्या कॉमन आएगा साइन थीटा कोई दिक्कत नीचे से क्या कॉमन आ रहा है प्लीज मी एक मिनट यार ये रुकीर थीटा आएगा ठीक है एक बात बताओ जरा वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा इसको फिर ब्रेक कर लो ठीक है चलेगा देखिए यार yes, sir. तो बेटा जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा अब खुद देखना ये अंदर माइनस टू और वन तो माइनस वन आ जाएगा और उधर आ जाएगा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर नीचे सेम ही तो टर्म है ये प्लीज टेल मी कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है आर क्लियर है Please tell me. So, last step में problem हो रही है। क्यों? जरा so, इस... two cos square कैसे आया? इस को खोलो जरा। one minus two, और फिर अंदर जाके क्या आ जाएगा two cos square थीटा ये क्या one plus two cos square theta थीटा is इज सेम एज cos square theta minus one। बताइए ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देखिए भाई जरूर हमसे डन भाई ये हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट यस सर यस सर देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन आज कल क्या था प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक्स थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है इट इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट हाँ जी कुछ नहीं है क्वेश्चन यार ये ये भी बोर्ड में आया हुआ है एनसीआरटी लीजिए होल स्क्वायर खोल दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोशेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा ठीक है जी अगला भी खोल दो square. Square theta, theta. खोल दिया? ये तो दोनों कैंसल हो जाएंगे और इधर से कोस और सेक भी कैंसल हो जाएगा हाँ जी क्लियर है वाली बात हाँ जी प्लीज लेटमी नो क्या बचेगा थीटा प्लस टू अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्र थीटा तो कैन आई राइट दिस एज

तो सेवन प्लस कोट स्क्वा कुछ मुश्किल लगा क्या यार जो बेसिक था उसने बोला कि ऐसा करो हमने वैसे ही तो किया हमने अपने पास से तो कुछ किया ही नहीं ना या कुछ किया हमने अपने पास से समझ में आ गया बेटा सबको कोई डाउट इसमें ओके okay. अगला क्वेश्चन देखिएगा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखिएगा भाई जरा ध्यान से सिक्स्थ क्वेश्चन आज का साइन थीटा प्लस सेक् थीटा का होल स्क्वायर कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना वन प्लस सेक् थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर जैसे बोला इसने वैसे ही करिए जैसे बोला वैसे ही करना है खोल लो यार होल स्क्वायर देखिए क्या आता है कैन आई राइट दिस एस साइन स्क्वायर थीटा

अब थोड़ा सा यार यहाँ ट्रम्स को रिअरेंजमेंट करके देखे ये दो टर्म नजर आ रही है आपको क्लब कर दे इनको क्या आ जाएगा क्लब करके वन आ जाएगा ऐसे लिख लू जरा ध्यान से देख साइंस स्कोर थीटर ओके नौ अब यार सेक्स स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है जरा बताओगे जरा वन बाय कॉस थीटा होता है यस सर ओके और इस कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब मैं निकाल लू इसका मतलब क्या होता है इज दैट ओके प्लीज टेल मी आराम से समझते जाना टर्म्स

और इधर भी एलसी में ले लो इज दैट ओके प्लीज टेल मी सो left वी लेफ्ट विद यस सर ये ऊपर वन बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा Can you recognize this term? Can you recognize this term? Please tell me. It is nothing but one plus one by cos theta sine theta ka whole square. Can I write Please tell me. This is nothing but or one by cos theta sec theta and one by sine theta, which is your RHS. समझ में आ गया भाई प्लीज टेल मी हाँ जी कोई डाउट ओके नाउ देर इज अनदर प्रॉब्लम वो भी देखिएगा जरा ध्यान से स्क्रीन शॉट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट सेक्स रेज टू पावर फोर थीटा माइनस सेक्स स्क्टा इट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन रेज टू पावर फोर थीटा आसान है देखने में मुश्किल लगता है क्या कॉमन आ रहा है यार जरा मुझे बताओ ना यहां से sec2 थीटा कॉमन आ रहा है sec2 थीटा यस सर 1 tan2 थीटा दोनों में रख दो वैल्यू ये भाई साहब कैंसिल हो गया जरा मल्टीप्लाई करना भाई कितना आ गया यही आपकी आरएचएस है इज दैट ओके बेटा Yes, अब जरा थोड़ी सी और बढ़िया वाली ट्रिकी क्वेश्चन देखिए यार जरा उनका भी इलाज करते एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा एट क्वेश्चन क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इसके बराबर दिखाना है यार दिखा देंगे ये पता चक्कर क्या है ये कई बार ना बड़ा टर्म्स जब हम रिअरेंज करते हैं ना बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनता है आराम से समझिएगा sec स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 tan स्क्वायर थीटा क्लियर है वाली बात बेटा और कोसेक्सर थीटा मतलब वो था वन प्लस थीटा अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यार आपके पास टर्म ये नहीं बन गई टेन थीटा प्लस, थीटा प्लस टू। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए यहां पर इस टू को मैं ऐसे नहीं लिख सकता टू टेन थीटा कोट थीटा प्लीज टेल मी और अगर अब आप इस पे थोड़ा ध्यान दें तो ये टेन थीटा प्लस कोड थीटा का होल स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर रूट से आपको निजात मिल गई ये देखिए क्या बन गया क्लियर बेटा हाँ जी एनी प्रॉब्लम ओके दैट्स गुड समझिएगा ओके ना द क्वेश्चन इज देर इज अनदर क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है नाइंथ क्वेश्चन इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन क्या था प्रूव दैट को थीटा इज इक्वल टू वन ये सीबीएसई में दो दफा आ चुका क्वेश्चन और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है देखो जो गिवन है उसको ऐसे लिख लो एनी प्रॉब्लम तो दिस विल विम्प्लाय साइन थीटा किसके बराबर आ गया थीटा के। दैट ओके प्लीज टेल मी नाउ ऑन साइड। सर। आई कैन राइट अगेन वन माइनस को स्क्वायर थीटा दिस विल इंप्लाय वन इज इक्वल टू Road. मुश्किल था क्या भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हल्का सा ट्रिकी है, बट ट्रिकी में इसको काउंट करता नहीं जरा ध्यान से देख लीजिएगा ओके टेंथ क्वेश्चन इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू समीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू समर माइनस एन स्क्वेर इज इक्वल टू फोर अंडर रूट ऑफ एम एन ये प्रूव करना है देखो यार अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है समझिएगा जरा ध्यान से हम पहले यहां पर कंसिडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका मतलब क्या बन जाएगा यार एम माइनस एन और एम प्लस एन यही बनेगा प्लीज टेल मी ठीक है बेसिक फैक्टराइजेशन कर ली एम और एन की वैल्यू डाल दो व्हाट इज एम टेन थीटा प्लस साइन थीटा व्हाट इज एन माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा आर यू गेटिंग इट व्हाट इज एम प्लस एन हाँ जी एम प्लस एन कितना आएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा नी वी लेफ्ट विद यहां से टेन कैंसिल हो गया यहां से साइन कैंसिल हो गया वी लेफ्ट विद टू साइन थीटा इंटू टू टेन थीटा ये बात क्लियर है बेटा प्लीज टेल मी दैट इज इक्वल टू फोर साइन थीटा इन टेन थीटा कोई प्रॉब्लम प्लीज टेल मी नो सर ओके नो सर अच्छा एक बात ये बताइए चलो यार ये एक्सप्रेशन ये आ गया हमें ये भी तो जानना जरूरी है जिसके बराबर लेके आना वो ट्रम है क्या फोर रूट एम एन ऐसा कुछ लेके आना है तो यार मैंने ना थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाया यार ये फोर तो आ गया मेरा इस फोर को रिटेन कर लिया और रूट चाहिए तो मैंने ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत यार जरा बताना मुझे नो no, सर कोई दिक्कत नहीं है ना अब मुझे एम और एन क्रिएट करने कर देंगे एम और एन क्रिएट आराम से देखिएगा मैंने 10 स्क्वायर थीटा एज एट इज रिटेन किया और साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया ठीक है जी एनी प्रॉब्लम no, okay. no, लीव कर दूं क्या हो गया मेरी सात बजे क्लास होती है ना। बस खत्म होने वाला है यार देख ले क्वेश्चन तो देख ले माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया यार ओके okay. अब इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं यार हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया ओके नाउ सी बन गई बात जरा ध्यान से देखना टेन स्क्वायर थीटा इसको लिख देंगे यार साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे इनटू टू स्क्वायर थीटा कैंसल हो गया हाँ जी तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन आई राइट दिस एज प्लीज ध्यान से देखना प्लीज आराम से इट इज टेन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकता हूं प्लीज टेल मी वट इज दैट एक M है इनमें से और एक N है ये हमारा M है और ये हमारा N है एम एन आ गया प्लीज टेल मी क्लियर है बेटा लॉजिक Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना था तो दो पार्ट में इसका स्क्रीन शॉट आएगा आपका भाई आ, आ रहा है क्लियर yes, sir. Yes, sir. तो इसका, yes, इसका स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है और नेक्स्ट क्लास तक भाई अपना एनसीआर संभाल लेना बस अब अब मैं अगली बार एन सी कराऊंगा और यार एक मैंने क्वेश्चन बैंक डाला था ग्रुप पे देखा था आप लोगों ने हाँ जी हाँ सर सर तीन लेवल ना वो हाँ उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करो यार उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि तो साथ साथ प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी कर लोगे तो यार बेटर रहेगा ठीक है ना बाकी इस साल सीबीएसई का पेपर मुझे जहाँ तक तो लग रहा था थो थोड़ा लेवल हल्का ही हल्का ही आएगा ठीक है ना यस सर चलिए ओके द बाय थैंक यू सर ओके बट थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर बाय 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 सर तो सर तो इस बार बेसिक और स्टैंडर्ड सेम ही आएगा पेपर की वही होगा यार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा सब ठीक है ना वैसे अभी तक तो वही अलग-अलग ही अलग मान के चलो ठीक है ओके mm -hmm. okay.